हाँ, हम इग्नो का प्रोग्राम कोड बी ए पी एच ठीक है इसका जो कोर्स कोड है बी पी एस सी वन जीरो फाइव इसका चैप्टर नंबर थ्री ये हम पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज देखिए सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ रोल्स विथ रिगार्ड टू तो पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन तो सिविल सर्विसेज दोनों काम आती है एक तो पॉलिसी बनाती भी है और उसको एग्जीक्यूट करती भी है दिस रोल कैन बी समराइज़ अप इन द फॉलोइंग कैटेगरीज अभी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या इसके रोल है सिविल सर्विसेज के क्या रोल है सबसे पहला रोल है इंस्ट्रूमेंटलिटी ठीक है इंस्ट्रूमेंटेलिटी रोल का मतलब होता है किसी भी चीज में एक की रोल की तरह सामने आना जैसे कि देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट ओके देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट दैट द सिविल सर्विस शुड बेसिकली प्लेन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन पॉलिसी ऑपरेशन ठीक है एक जनरल सेंस है कि जो सिविल सर्विस है वो मेनली किस अपॉइंट किए जाते हैं किस लिए उनका मेन रोल क्या है उनका मेन रोल है पॉलिसी ऑपरेशन ये एक जनरल जनरल सेंस है ये ठीक है इन एज सच एज इट इज़ नाट द मास्टर बट द एजेंट ऑफ पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एग्जीक्यूशन ठीक है ये क्या है ये न, ये पूरे मास्टर नहीं है लेकिन ये एक एज एजेंट टाइप काम करते हैं क्योंकि ये मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं इन द इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज इसलिए इनको एज अ एजेंट टाइप बोला गया है इसमें इट इज देयर फॉर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्स यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड एंड यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड एंड यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड दैट द सर्विस शुड बी डिजाइन एंड स्ट्रक्चर्ड सो एज टू रिस्पॉन्ड सिस्टमेटिकली एंड विलिंगली टू द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पॉलिसी मार पॉलिसी पैरामीटर्स ठीक है तो ये यूनिवर्सली ऐसे उससे एक्सेप्ट किया जाता है ठीक है कि ये आ, ये जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनको ये हर चीज़ में इन स्टार्टिंग फ्राम द पॉलिसी फार्मूलेसन टू पॉलिसी एग्जीक्यूशन ये सभी चीज़ों में पॉलिटिकल लीडर की मदद करेंगे ठीक है पॉलिटिकल लीडर को असिस्ट करेंगे दिस एसेंशियली रिप्रेजेंट फिलोसॉफी ऑफ प्राइमसी प्राइमसी ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक है तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो जो ये सिविल सर्विसेज है ठीक है ये प्राइमसी ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब मतलब कि ये इसमें जो पॉलिटिकल लीडर है उनके कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है ठीक है ये इसमें कहा गया है देखिए डिस्पाइट देयर पर, डिस्पाइट देयर पार्टिसिपेटिव एंड परवेसिव प्रेजेंस इन द पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस आर नॉट सपोज टू तो स्टे टू मच फ्रॉम देयर इंस्ट्रूमेंटालिटी रोल टू तो बिकम द प्राइम मूवर बिहाइंड पॉलिसी मेकिंग ठीक है फ्रिज मॉडस्टेन मैक्स मार्क्स इन्होंने कहा है कि मेरिड ब्यूरोक्रेटिस इवन इन मॉडर्न नेशन स्टेट ऑफ द वेस्ट एज हैविंग कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशली टू वाइबिलिटी ऑफ द पॉलिसी थ्रू प्रोफेशनल आउटलुक टू एवरी कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज तो सिविल सर्विसेज है ये मॉडर्न स्टेट में भी हर एक ये वेस्टर्न इस इसमें वेस्टर्न नेशन की बात कर रहे हैं एक्चुअली जो फ्रिट्स मॉर्स्टेन मार्क्स है इन्होंने कहा कि जो मेरिट ब्यूरो क्राइसिस है ठीक है जो टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेटिस जो लोग हैं वो मॉडर्न नेशन में भी जो वेस्टर्न साइड में अभी भी पूरी तरह से अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे फॉर द पॉलिसी ओके थ्रू दी प्रोफेशनल आउटलुक से ठीक है इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज या जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए जो रोल है पॉलिसी मेक जो रोल है किसका सिविल सर्विसेज का वो अभी भी यूज हो रहा है इट इज़ नॉट द सेम थिंग टू स्टे दैट द पब्लिक सर्विस कैन नॉट शुड नॉट नीड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांस इन्वॉल्व देम सेल्फ इन टू पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बट बाय एन लार्ज सिविल सर्वेंट शुड नाट इन्वॉल्व पॉलिसी मेकिंग फुल प्लेडेटली ठीक है तो हम कह सकते आज भी हम कभी निगलेट नहीं कर सकते कि पॉलिसी मेकिंग में सिविल सर्वेंट का यूज नहीं होता है चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो चाहे कोई भी देश हो हर देश में पॉलिसी मेकिंग प्रोग्राम में सिविल सर्वेंट का यूज हो रहा है ठीक है इन इन एनी सरकमस्टांस ठीक है उसके बाद जो दूसरा इनका मेन रोल है वो है न्यूट्रैलिटी ठीक है पहला तो है इंस्ट्रूमेंटल ओके इंस्ट्रूमेंटलिटी उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटलिटी से मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर क्रिएटिव फॉर फॉर्मोलेटिंग द पॉलिसी पॉलिसी बनाने के लिए ठीक है जो सिविल सर्विसेज है जो सिविल सर्विसेज है ये इनका एक इंस्ट्रूमेंटल रोल है मतलब एक की रोल है ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये बोला गया है इसमें मेनली उसके बाद न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के एकदम पार्शियली ओके बिना किसी भेदभाव के अपने आप को दिखाना ठीक है किसी के तरफ ये टिल्ट नहीं होते जिस तरह से गवर्नमेंट रहेगी उसी तरह से यह अपने काम को करते हैं ठीक है इन पार्शियली होके ये काम करते हैं मेनली देखिए न्यूट्रलिटी रोल द न्यूट्रलिटी रोल ऑफ द सिविल सर्विस इज इन कंसोन विद इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटी रोल ठीक है अपने जो इंस्ट्रूमेंटिटी रोल है उनका जो मेन की रोल है फॉर मेकिंग द पॉलिसीज वहाँ पे ये एकदम न्यूट्रल रहते हैं इट इज़ दस क्लियर दैट सिविल सर्विस हैव टू परफॉर्म इन द राइट स्पिरिट ऑफ देयर स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क दे हैव टू बी न्यूट्रल इन देयर अप्रोच आउटलुक एंड एक्टिविटीज़ उनको हर चीज में न्यूट्रल रहना पड़ेगा ठीक है नो वे शुड देयर पॉलिटिकल वैल्यूज और आइडियोलॉजीज अफेक्ट देयर कंडक्ट एंड बिहेवियर्स तो उनकी जो भी खुद की पर्सनल पॉलिटिकल जो भी वैल्यूज़ होगी जो भी आइडियोलॉजीज होगी उसको साइड में रखते हुए उसको अपने काम में उसको नहीं दर्शाना है ठीक है खुद को एकदम न्यूट्रल रहना है वाइल कंडक्टिंग एनी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ सिविल सर्वेंट आर द ऑब्जेक्टिव ओके डिस एंड नॉन पार्टीसन बैंड ऑफ द प्रोफेशनल्स वी शुड डू अ जॉब इन, ओके इंटरेस्टेड टू देम विथ क्लिनिकली प्रोपेश क्लिनिकली प्रोपिशंसी इपिशियंसी एंड डेडिकेशंस, इन सब के साथ उनको काम करना होता है वंस अ पॉलिसी हैज़ बीन डिसाइडेड

सक्सेसफुल बनाने के लिए लगा देता है इन अदर वर्ड द सिविल सर्वेंट मस्ट नॉट बी अलाउ टू टेक पॉलिटिकल साइट ठीक है हम क्लियर बोल सकते हैं कि जो सिविल सर्वेंट होता है उसको कोई एक पॉलिटिकल साइट नहीं लेना होता है उसकी जो भी आइडियोलॉजी होती है उसको साइट में रखते हुए जिस समय करंट गवर्नमेंट में जो काम करना होता है जो गवर्नमेंट के जो आइडियोलॉजी होती है उसी आइडियोलॉजी के साथ उसको काम करना होता है उसी के साथ पॉलिसी बनाना है और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है द इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम में सर्टनली कम इन टू प्ले वाइल रेंडरिंग एडवाइस टू द मिनिस्टर्स और एट द टाइम ऑफ श्रेटिनिंग ऑफ और पॉलिसी बट नॉट देयर आफ्टर ठीक है जैसे उसको मिनिस्टर जैसे उसको कोई मिनिस्टर पूछता है या वाइल ऑन द पॉलिसी फार्मूलेशन एनी रिकमेंडेशन डिमांड बाय द मिनिस्टर्स देन ही कैन पुट देयर वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज ओके बट आफ्टर द पॉलिसी फार्मूलेटेड वाइल इम्प्लीमेंटिंग ठीक है उनको अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रखना है ठीक है द सिविल सर्वेंट आर नॉट द पॉलिटिकल एजेंट बट द सर्वेंट ऑफ द स्टेट ठीक है सिविल सर्वेंट कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं है ये एक सर्वेंट है किसके स्टेट के ओके okay, गवर्नमेंट के इस देश के ठीक है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज द साइन क्यों नॉन फॉर सिविल सर्विसेज ठीक है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है एक सिविल सर्विसेज के लिए द सिविल सर्विस एंड पार्टी पॉलिटिक्स शुड बी के पार्ट ठीक है ये दोनों साइड में रखना है एक साइड में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एक साइड में अपनी सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस एकदम साइड में रखते हुए काम करना है ओके द सिविल सर्वेंट आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ डिसाइडेड अपॉन बाय द गवर्नमेंट ओके तो सिविल सर्वेंट को वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है ओके okay? और उसी आइडियोलॉजी के साथ काम करना है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दे आर नाइदर दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल कंटेंट ऑफ प्रोग्राम ओके नॉट डू देव टू डिफेंड इट इन अ पब्लिक उनको पब्लिक में कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना है जिसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दिखती हो ठीक है या वो खुद को एकदम न्यूट्रल रखेंगे किसी भी पॉलिटिकल आइडियालॉजी के साथ नहीं चलेंगे ठीक है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसाइड किया है उसी को बस इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहला रोल हमने देखा इंस्ट्रूमेंट टी रोल उसके बाद हमने ये देखा उनका न्यूट्रैलिटी अब देखते हैं हम उसका कमिटमेंट रोल क्या होता है कमिटमेंट रोल फॉर द सिविल सर्वेंट शुड द सिविल सर्वेंट बी कमिटेड टू द काज ऑफ अ पार्टी और रूलिंग पार्टी और अ पर्सन ऑफ दैट ऑफ दार्टी इंटेलैक्चुअली और इमोशनली और आइडियालॉजिकली Where should their commitment lie? Answer to such questions are very important for understanding the commitment role of the civil service. Okay. Different views have been expressed on the subject. The first that the common view hold the commitment means that civil servant should be in accordance with the policy objective of the government. Okay. तो देखिए कमिटमेंट रोल कि कमिटमेंट रोल मतलब क्या है कि जो सिविल सर्वेंट है उसका क्या उसके सामने फोकस रहना चाहिए क्या वो सोचना चाहिए ठीक है वाइल ऑन ड्यूटी वाइल ऑन सर्विस ठीक है तो उसका जो पहला जो कमिटमेंट होना चाहिए ये कि पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझना फर्स्ट रोल है दूसरा है सेकेंडली इट इज हेड दैट सच कमिटमेंट शुड बी इन अ न्यू सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड एंड हैज़ टू बी कॉन्शियसली बिल्ड एंड नर्टर्ड थ्रू द करियर ऑफ सिविल सर्वेंट दी है फिर उसको सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव जो कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है ठीक है और थर्ड जो कमिटमेंट रोल है इन द

क्या उस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है सेकंड है वाइल्ड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी उसको जो देश के अंदर जो सोशल और इकोनॉमिक जो ऑर्डर है उसको ध्यान में रखना है उसके बाद थर्ड जो व्यू है ये कि उसको अपने स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है ठीक है और फोर्थ व्यू होल्ड करता है कमिटमेंट शुड आइडियली बी टूअर्ड द गुड इंस्टाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ठीक है और ये जो भी डेवलपमेंट होगा जो भी डेवलपमेंट और गोल होंगे ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही होने चाहिए उसी को कॉन्स्टिट्यूशन को ही ध्यान में रखते होने चाहिए ये मेन कमिटमेंट होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के विच रिप्रेजेंट द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द गवर्नेंस ऑफ द पॉलिसी द एंड अल्टीमेटली कमिटेड अल्टीमेटली कमिटमेंट ओके कमिटमेंट हैज़ टू बी इन द कॉन्शियस ऑफ द सिविल सर्वेंट देयर बिलीफ कल्चर इथिकल वैल्यू एंड सेंस ऑफ जस्टिस एंड राइट वॉस ओके राइट यास नेके ये है तो सिविल सर्वेंट हैव ऑफन डिस्प्ले देयर पर्सनल अलाइनमेंट आइडेंटिफिकेसन एंड बिलोंगिंगनेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ओके तो जो सिविल सर्वेंट होता है वो दिखाता है अपनी जो भी पर्सनल जो भी थॉट प्रोसेस है जो भी आइडियोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए उसकी अलाइन होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए बिलोंगनेस होनी चाहिए ठीक है जो गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें दे ऑफन डिस्प्ले पर्सनल रॉयल्टी टू द बॉस ओके द काइंड ऑफ पर्सनलाइज कमिटमेंट हेल्प द सिविल सर्वेंट इज बेटर करियर प्रोग्रेस ठीक है अगर इस टाइप के उसकी आइडियोलॉजी रहेगी इस टाइप की सोच रहेगी तो वो अपने सिविल सर्वेंट करियर में अच्छा करियर प्रोग्रेस कर सकते हैं बट द टर्म कमिटमेंट ब्यूरोक्रेसी डज नॉट मीन द ब्यूरोसी रॉयल टू द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है parties, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के तरफ ही रॉयल रहना जरूरी नहीं है इट डज नाट कैनोट ओके इट डज नॉट कैनोट्स सिविल सर्वेंट ओविंग रॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉलिटिकल पर्सन और लीडर इट मीन्स दियर ब्यूरो शुड बी कमिटेड टू दी ऑब्जेक्टिव आइडियल इंस्टीट्यूशन एंड मॉडलिटी इंशाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें मेन ये कहा गया है कमिटमेंट में कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन्स है ठीक है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी आइडियोलॉजी और जो उस समय गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी के तरफ ध्यान में रखते हुए उसके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है ठीक है मेन है कंस्टिट्यूशन को फॉलो करना ओके ये है मेन कमिटमेंट रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट देन फोर्थ जो रोल है वो है इम रोल देखिए सिविल सर्वेंट शुड बाय एंड लार्ज एडॉप एंड इम परसनलिटी प्रोफाइल वाइल डीलिंग विद मैटर कंसर्निंग पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड इश्यूज़ जो सिविल सर्वेंट होता है वो मेनली यही काम करता है कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम और जो भी इश्यू होते उनसे ये डील करता है और सिविल सर्वेंट कैन नॉट अफर्ड टू टेक और ट्वाइस अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन इट और द पर्सन हु कैन बी अफेक्टेड बाय इट ठीक है अपने जो भी उसके डिसीजन होंगे जो भी उनकी एक्शन होगी ये किसी पर्सन के बेस पे उनकी चेंज नहीं होगी ठीक है उसकी एज पर द जो रूल है रेगुलेशन है जो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो करना चाहिए वो उसको करना चाहिए ना कि किसी पर्सन के बेस पे अपने आप को डिसीज़न में चेंजेस लाना चाहिए दे शुड रैदर स्ट्रिक्टली कन्फॉर्म टू अ प्रिंसिपल रूल्स एंड गाइडलाइंस ठीक है जो कि मैंने बताया कि उसके जो भी डिसीजन होंगे वो इम पर्सनलिटी होनी चाहिए किसी एक पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हुए अपने डिसीजन को नहीं लेना चाहिए ठीक है जो रूल है रेगुलेशन है और जो एक्शन है उसके स्ट्रिक्टली होने चाहिए एज पर द रूल एज पर द गाइडलाइन जो प्रोवाइड की जाती है उसको उसी के बेस पे उसके जो भी रोल होंगे वो एक्शन में आने चाहिए दे शुड गवर्न द मैटर बिफोर द गवर्नमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस स्टैंडिंग एंड पोजिशन ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल ओके द सिविल सर्वेंट हैव टू द स्टेक डिसपेट अप्रोच टू द प्रॉब्लम तो सिविल सर्वेंट को हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस देयर एक्शन शुड बी टेकन प्लेस नॉट ऑन दी बिहाफ ऑफ एनी पर्सनालिटी ठीक है किसी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन को नहीं चेंज करना चाहिए यही इसमें इसमें रोल में कहा गया है ठीक है उसके बाद आता है एनोनिमिटी रोल there, the role of anonymity required that the minister have to answer for the action of civil servant. in the parliament, the, civils, the civil servant thus are protected from the criticism in the house of parliament. minister have to protect the civil servant who have, ex, who have executed their definite order by answering parliament question on their behalf. Theke? तो कोई भी एक्शन अगर सिविल सर्वेंट लेता है तो उसको उस एक्शन के जो बेस पे ओके okay, उसको कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है अल्टीमेटली पूछा जाता है मिनिस्टर्स को तो मिनिस्टर को आंसर देना पड़ता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अगर कोई भी सिविल सर्वेंट किसी भी एक्शन में गलत होता है या किसी भी एक्शन के बेस पे मिनिस्टर को ही पूछा जाता है ठीक है सिविल सर्वेंट के कोई भी एक्शन के एक्शन एक्शन होगी सिविल सर्वेंट कोई भी किस कोई भी एक्शन लेगा तो उसका अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक्शन का ठीक है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर हैव टू गिव रिप्लाई इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ठीक है मिनिस्टर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर द रॉन्ग एक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट अगर कोई सिविल सर्वेंट गलत एक्शन लेता है तो अल्टीमेटली जो मिनिस्टर्स होगा उसको ही ऑपोजिशन वाले पूछेंगे नॉट ओनली ऑपोजिशन एनी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस क्वेश्चन अबाउट द एक्शन टेकन बाय द सिविल सर्वेंट द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी गोज हैंड इन हैंड विद द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मींस दैट सिविल सर्वेंट हैव टू वर्क बिहाइंड द करटेन ठीक है कैनॉट ओपन कम आउट एंड प्ले अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द पॉलिटिक्स तो इससे यह समझ में आता है जो सिविल सर्वेंट है उनको ठीक है पर्दे के पीछे ही सब काम करना होता है ठीक है पर्दे के पीछे का मतलब ये होता है कि उनको किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि में न आते हुए अपने काम को रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी गाइडलाइन उनको प्रोवाइड की जाती है बाई द गवर्नमेंट ठीक है और बाय द रूल्स उस हिसाब से ही उनको काम करना है और अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आगे नहीं लेके आना है ठीक है दे हैव टू फंक्शन इन एन इन्वायरमेंट ऑफ ऑन एनिटी ठीक है ऑन एनिटी का मतलब ये होता है कि उनको बिना किसी किसी पर्टिकुलर नाम के साथ ठीक है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ बिना किसी एक्शन के नाम को ठीक है बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ ठीक है अपने आप को रूल रेगुलेशन के साथ काम करना ही और एनिमिटी बिना कोई नाम के उनके साथ वो काम का होना चाहिए ओके उनके एक्शन का कोई नाम नहीं होना चाहिए कुल मिला के इसका मीनिंग यही होता है ऑल दिस हेल्प देम इन मेकिंग ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन ठीक है उनको मेनली अपने डिसीजन एकदम ऑनेस्ट होके लेना है ठीक है ऑब्जेक्टिवली लेना है ठीक है जो रूल रेगुलेशन बने हैं गाइडलाइन दिया गया है उसी के बेस पे उनको डिसीजन लेना है उसके बाद आता है प्रोफेशनलिटी रोल ठीक है देखिए द सिविल सर्वेंट हैव टू परफॉर्म देयर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज स्किल एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंस एंड मेरिट ठीक है इसी के बेस पे सिविल सर्वेंट अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है ओके दे मस्ट यूटिलाइज ऑल देयर स्किल टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंटल ओके डेवलपमेंटल प्रोग्राम विथ फुल झील एंड इंटूसियाजम ठीक है एक सिविल सर्वेंट को अपना कंप्लीट फोकस और कंप्लीट स्किल यूटिलाइज करना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम गिवन बाय द गवर्नमेंट द सिविल सर्वेंट मस्ट बी ट्रेन ट्रेन टू अस ऑल द मेंटल फिजिकल टेक्निकल स्किल एट हैंड इन मोस्ट इफेक्टिव एन इपिशंट मैनर ठीक है द एम शुड बी टू ट्रेन सिविल सर्वेंट इन सच अ वे दैट द मैक्म रिजल्ट कैन बी अचीव विथ मैक्सिमम इनपुट एट लीस्ट कॉस्ट विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम ठीक है जो सिविल सर्वेंट को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि वो कोई भी एक्शन हो कोई भी आउटपुट लेना हो उसको मिनिमम टाइम में मैक्मम आउटपुट लेके आ सके और एक सट्टीक और इफिशेंट आउटपुट लेके आ सके इस तरह से सिविल सर्वेंट को ट्रेन करना है ठीक है मैक्सिमम रिज़ल्ट वो लेके आ सके प्रोफेशनल एक्सेलेंस एंड इंटेलिकचुअल इंटीग्रिटी शुड भी देयर मोटिव उनका एक ही मोटिव होना चाहिए प्रोफेशनल एक्सेलेंस होने चाहिए प्रोफेशनली एकदम स्ट्रांग होने चाहिए वो ठीक है उसके बाद इंटेलेक्चुअली ओके इंटेलिजेंट होने चाहिए ओके okay? इंटीग्रिटी होनी चाहिए उनके अंदर मतलब कोई झूठ या किसी भी तरह का किसी के साथ गलत व्यवहार या मेनली तो झूठ नहीं बोलना चाहिए इंटीग्रेटी होनी चाहिए ठीक है प्रामाणिकता होनी चाहिए यही उनकी ख़ासियत होती है ठीक है प्रोफेशनल एक्सेलेंस होंगे वो अपने प्रोफेशन में एकदम एक्सेलेंस होंगे और इंटेलेक्चुअली वो इंटीग्रेटी होंगी उनके अंदर ठीक है यही उनका मोटिव भी होना चाहिए लर्निंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन शुड बी बिल्ड इनटू द सिस्टम इट्स फॉर दैट इज़ द फाउंडेशन फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अ प्रोफेशनल सुपरस्ट्रक्चर ठीक है तो इन इसी के लिए उनका फाउंडेशन एकदम प्रोफेशनल बनाया जाता है ठीक है वाइल्ड ऑन ट्रेनिंग द प्रोफेशनल रोल फॉर द सिविल सर्वेंट इज द जेनेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ठीक है ना तो सिविल सर्वेंट का जो प्रोफेशनल काम होता है ठीक है अपने काम के प्रति जो प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होती है यही उनके जेनेसिस है, एग्जिस्टेंट के ठीक है इसी के इसी चीज के लिए उनको जाना जाता है इट्स शुड बी नोटेड दैट ऑल दिस एनोनिमिटी, न्यूट्रेलिटी एंड इम ओके रोल डू नॉट ओके इन रियलिटी होल्ड बैक सर्टन सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम ट्रांसग्रेशन एंड ब्रिच

मेनली उनको इसी बात के लिए जाना भी जाता है तो ये हमने क्या देखा मेनली जो सिविल सर्वेंट है उनके क्या क्या रोल होंगे ये सब चीज़ें हमने जाना है तो रोल ऑफ सिविल सर्विस में हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटालिटी रोल के बारे में जाना है किस तरह से एक सिविल सर्वेंट एक की फैक्टर होता है फॉर मेकिंग पॉलिसी उसके बाद हमने न्यूट्रैलिटी रोल के बारे में जाना कि सिविल सर्वेंट को किस तरह से न्यूट्रल रहना है ठीक है किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ नहीं अपने आप को टील करना है ये हमने जाना है उसके बाद जो सिविल सर्वेंट है उसको कमिटमेंट के साथ होना चाहिए उसका रोल कमिटमेंट होना चाहिए कोई भी काम को कोई भी काम को सक्सेसफुल करने का कमिटमेंट होना चाहिए ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ा है ठीक है उसके बाद जो सिविल सर्वेंट है उसका इम रोल होना चाहिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के के तरफ फोकस होते हुए हो अपने आप के डिसीजन चेंज नहीं करना है जो रूल है रेगुलेशन है गाइडलाइन है उन्हीं को फॉलो करना है उसके बाद एनोनिमिटी रोल होनी चाहिए मतलब कि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेते हुए जनता के आगे आना नहीं चाहिए अपने काम एज पर द रूल रेगुलेशन करते रहना चाहिए ठीक है किसी पॉलिटिकल लीडर की जैसे आगे नहीं आना है उसके बाद उसका रोल प्रोफेशनल होना चाहिए अपने काम को एकदम प्रोफेशनली करते हुए उनको आना चाहिए तो ये हमने जो सिविल सर्वेंट है उनके रोल के बारे में जाना है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम चेंजिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस ठीक है पब्लिक सर्विस में किस तरह से कॉम्प्लेक्शन आ रहा है ठीक है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ठीक है ठीके? ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है चेंजिंग कॉम्पलिशन ऑफ सिविल सर्विसेज ठीक है तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही थैंक यू बाय बाय